की अजान हो रही है, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो पेपर शो करवाया, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पेपर हमारा बोर्ड का जो है पैटर्न आज हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि आसानी रहे कि हम लोगों ने तैयारी किस तरह करनी है पेपर की। तो आप लोग तो 9th का पेपर दे के आ गए ना बोर्ड का, तो उसी सेम पैटर्न पे हमारे 75 मार्क्स होते हैं, उनमें से 15 जो होते हैं वो हमारे MCQ होते हैं, जिनको हम लोगों ने 20 मिनट्स में सॉल्व करना होता है, ठीक। तो ये 20 मिनट वाला पेपर मैंने जो है आपके सामने पहले रखा हुआ है, ये इस तरह से आपके सामने पैटर्न आता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, तैयारी करने के लिए एक तो हमारे जो चैप्टर है ना, अब इंग्लिश के 13 चैप्टर होंगे हमारे बुक के, तो 13 चैप्टर्स में से तकरीबन जो है वो 3 MCQs, यानी कि चैप्टर की वर्डिंग में से 3 MCQs जो हैं वो हमारे पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कम से कम की बात की जाए तो 2 या 1 तो लाजमी आएगा, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ तो फिर 3 आएंगे। इसके लिए हम लोगों ने चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है और उनको समझना है, तो फिर हमारे लिए वो तो आसान हो जाएंगे बिल्कुल। और उसके अलावा जो ग्रामर के जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, तो इसके अंदर क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच हम लोगों ने करने हैं सारे दोबारा। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारे कुछ हम लोगों ने 9th में किए भी हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग कंटिन्यू करते हुए ना दोबारा अगेन उनकी रिवीजन करेंगे, ताकि हमारा ये MCQ का पार्ट जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आ जाता है इसमें, जेरंड आ जाते हैं वगैरह वगैरह सब चीज़ें, यानी जो भी हमारे पास ग्रामर से रिलेटेड आस्पेक्ट होंगे ना, सारे हम लोगों ने इसमें कवर करने हैं। तो 15 नंबर का जो हमारा पेपर होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने MCQ को टिक करना होता है, वो इसी तरह हो जाएगा। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं बच्चों, या तो ये हम लोग 15 में से 15 भी अगर चाहें तो ले सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो फिर 0 भी हमारा आ सकता है। यानी क्या है कि इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई राइटिंग का मसला होगा या कोई ऐसी बात होगी, ये सिंपली यही है कि अगर आपने ठीक लगा दिया आंसर तो वो ठीक है, गलत लगा दिया तो गलत है। सिर्फ एक बात का आपने ख्याल करना है कि कटिंग और ओवर राइटिंग आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आप लोग एक ऑप्शन को रिमूव करके भी दूसरा लगा दोगे तो वो मशीन से आपके पेपर जो है वो चेक होते हैं ऑब्जेक्टिव, तो अगर आप लोग बेशक रिमूव भी कर दोगे तो मशीन उसको डिटेक्ट कर लेगी। इसलिए आपने सोच समझ के एक ही निशान लगाना है, जो भी हमने लगा दिया वही सही है बस, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला पार्ट है MCQs का, इसके लिए हम लोगों ने ग्रामर अपनी अगेन से रिवाइज करनी है सारी, और प्लस हम लोग जब चैप्टर को रीड कर रहे होंगे तो मैं कुछ आपको जब कहूँगा कि ये मेन है आप इसको अंडरलाइन कर लें, तो आप उसको अंडरलाइन भी कर लेंगे। इस तरह हमारे ये MCQs का पोर्शन जो है क्लियर हो जाएगा। तो 15 मार्क्स हमारे तो इस तरह हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, ये देखिए अब जो है हमारे पास ये इसका सेक्शन बी आ गया है। 20 हमारे पास 2 आवर्स और 40 मिनट इसका टाइम होगा, और इसके मार्क्स कितने हैं, 60 मार्क्स हैं, यानी इसमें दो सेक्शन हैं बी और सी, और उनके मार्क्स कितने हैं बच्चों, 60, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले ये देखें, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। हर जो सवाल है वो 3 नंबर का है, आपने करने हैं इनमें से 5, और उनकी वर्डिंग मिनिमम होनी चाहिए 30 वर्ड्स और मैक्सिमम होनी चाहिए 40 वर्ड्स। यानी अब आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों के दरमियान में जो आता है वहाँ तक आपने लिखना है इसको। आप ना 30 से कम लिखेंगे, ना आप 40 से ज़्यादा लिखेंगे। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो भी मार्क्स डिडक्शन होगी, अगर आप कम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली मार्क्स आपके कम जो आएंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, सवाल ना ज़्यादा बड़े लिखने हैं और ना ज़्यादा छोटे लिखने हैं, और जो हम लोग सिंपल इंग्लिश से याद भी करेंगे तो वही हमारे आंसर ठीक हो जाएंगे। यहाँ में 7 सवाल दिए जाते हैं, और 7 में से हम लोगों ने ज़्यादातर हम सिंपल इंग्लिश से करेंगे, लेकिन जब रीडिंग करेंगे ना तो कुछ कुछ सवाल हमारे वहीं से भी हो जाएंगे, क्योंकि जो पेपर के अंदर सवाल आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वही आएँ जो बुक के एंड उसमें चैप्टर के एंड पे होते हैं, वो उनकी वर्डिंग जो है वो चेंज करके दे सकते हैं आपको। इसलिए हम लोग जब रीडिंग करेंगे ना, तब आप लोगों ने बहुत ध्यान से रीडिंग करनी है, बातों को याद रखने की कोशिश करनी है, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर वहीं पर हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो ये 7 हमारे पास है, यानी कि पूरे 13 चैप्टर हैं हमारे पास, उनके अंदर से 7 क्वेश्चन बनाएगा वो कहीं से भी, और उन 7 में से हमने करने होंगे 5, और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, यानी कि हम लोग 15 मार्क्स पे ये पोर्शन करेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेंगे, उसके बाद जो हमारे पास है रीड द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है बच्चों, और हमने उसका रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली
द टू कंट्रास्टिंग मोड ऑफ द विंड एज गिवन इन द पोइम पीस। अच्छा बच्चों ये है कि आपका जो 13 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं ना, उन 13 में से तीन जो हैं वो पोइम्स हैं। यानी पहले आपकी 9th में दो पोइम्स थी ना, एक डेफोडिल थी और एक स्टॉपिंग बाय द वुड्स वाली। अब जो आपकी 10th क्लास है इसकी इंग्लिश की बुक में आपके पास तीन पोइम्स हैं, एक बच्चों पोइम है ट्राई अगेन, एक पोइम है पीस और एक है रेन। ठीक है, रेन, ट्राई अगेन और पीस, ये तीन पोइम्स होंगी। उन तीनों की हम लोगों ने क्या करने हैं, सेंट्रल आइडिया जो है वो याद करना है। एक तीन नंबर का सवाल बच्चों मोस्टली हमारे पास सेंट्रल आइडिया ही आया करता है, यहाँ पे तो वैसे उसने कुछ और दिया हुआ है लेकिन ज़्यादातर ये जो यहाँ पे जो सवाल मैं जिसको ब्लॉग बना रहा हूँ, ये जो सवाल आया करता है ना, ये हमारा कौन सा होता है, इसके अंदर हम लोगों को सेंट्रल आइडिया जो है वो लिखने को दिया जाता है। ठीक है, अभी ये सवाल तो उसने दिया हुआ है पोइम के अंदर से, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सवाल आपके पास आया करता है, यहाँ पे तकरीबन जो आता है वो सेंट्रल आइडिया आता है कि या तो वो कहेगा पीस पोइम का सेंट्रल आइडिया लिखे या ट्राई अगेन का, या फिर इस तरह तीसरी पोइम जो है हमारी रेन उसका सेंट्रल आइडिया आएगा। तो ये जब हम पोइम्स को रीड करेंगे तो उसके अंदर ये सवाल आ जाएंगे, वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो पोइम का जो पार्ट है उसमें पहला सवाल आपका तीन नंबर का होगा। ठीक है, इसको हम लोग जब हल करेंगे तो उस टाइम इसको देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों, पहले क्या होता था कि हम लोगों को स्टैंजा दिया जाता था और स्टैंजा देने के बाद वो कहते थे पहले इसको आप पैराफ्रेज करें और फिर वो नीचे तीन क्वेश्चन दिया करते थे कि इनके आंसर करें। ठीक है, लेकिन अब जो है 10th के अंदर आपने पैराफ्रेजिंग नहीं करनी, 10th के अंदर पैराफ्रेजिंग की जगह पे ये तीन नंबर का सवाल पहले ही आ चुका है ऊपर, हमने इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, अब हम लोग पैराफ्रेजिंग नहीं किया करेंगे, हम लोग डायरेक्ट जो है वो स्टैंजा को रीड करेंगे और रीड करने के बाद जो इसके नीचे तीन सवाल दिए हुए हैं हमने इसको अटेम्प्ट करना है। जैसे अब हम लोगों ने इस स्टैंजा को रीड कर लिया यहाँ से यहाँ तक, वंस और ट्वाइस से लेकर ट्राई अगेन तक, तो ये आपको लग भी रहा है कि ट्राई अगेन पोइम में से ये आया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये तीन सवाल जो दिए हुए हैं ये वाले, इनका आंसर करना है। व्हाट इज मीट बाय यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, यानी ये जब हम पोइम को रीड करेंगे तो ये आइडिया हमारे जहन में खुद ब खुद आ जाएगा कि यहाँ पर इस सवाल का क्या मतलब है। यानी कि तीन नंबर का हमारा सवाल वो हो जाएगा और छः ये हो जाएंगे, दो दो और दो, तो ये नौ नंबर हो जाएंगे। टोटल हमारे पास तीन पोइम्स हैं, तीन पोइम्स के अंदर से मिलजुल के हमारे पास जो पेपर आता है वो आता है 9 मार्क्स का। तो ये 9 के 9 मार्क्स लेना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तीन पॉइंट्स को आसानी से हम लोग याद कर लेंगे और ये मार्क्स हमारे पूरे के पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है आपके पेपर का, पहला है वो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और ये दूसरा है ये पॉइंट्स के क्वेश्चन आंसर और उनका सेंट्रल आइडिया, दो चीज़ें हम लोगों ने अभी तक क्लियर कर ली हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक बहुत ही आसान किस्म का क्वेश्चन जो है आपके पेपर में होता है और इसको ये वाला, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने ये एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने रीड करना है। ठीक है, कम्प्रीहेंशन पैसेज जिसे हम लोग कहते हैं, अनलाइक अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हम लोग सारा अच्छे तरीके से रीड करते जाएंगे और रीड करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो सवाल दिए हुए हैं व्हाट वाज द रिलीजियस सिग्निफिकेंस या इस तरह, ये सारे ये सवाल हम लोगों ने बच्चों आंसर करने हैं और ये पूरा सवाल हमारे पास 10 नंबरों का है। पहला सवाल भी 2 नंबर का है, दूसरा भी 2 नंबर का है, तीसरा 1 नंबर का है और जो चौथा सवाल है वो 5 नंबर का है। इस सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, आप लोग इसको रीड करने के बाद अपने माइंड में सोचेंगे कि इसका नाम हम क्या रख सकते हैं। यानी इस पैसेज को अगर हम लोग टाइटल देना चाहें तो वो टाइटल क्या होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का टाइटल एक ही हो, सेम हो, नहीं, वो अलग अलग हो सकते हैं, आपके अपने माइंड के ऊपर है कि आपको इसका पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि हम लोग इसका टाइटल क्या रख सकते हैं। तो आपने अपनी मर्जी का इसका टाइटल जो है वो सजेस्ट करना है और वो हमेशा ठीक ही होता है जो भी आप इसको टाइटल दे देंगे। बस इसकी वर्डिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये ना हो कि वर्डिंग कुछ है और हम टाइटल कुछ दे दें। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका टाइटल देना है और फिर इसको समराइज करना है बच्चों। समराइज करने का तरीका क्या होगा कि ये जो उसने दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें तकरीबन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं इसकी। अच्छा बच्चों आसान हो रही है, मैं थोड़ा रुकूंगा।
अच्छा बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोगों ने इसको अच्छे से रीड करने के बाद इसका टाइटल सजेस्ट करना है एक तो, ठीक है, और उसके साथ बच्चों क्या करना है, हमने इसको समराइज़ करना है। तो समराइज़ करने का तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो 7 लाइंस दी हुई हैं, हमने इनको कम से कम करते हुए सिर्फ 3 लाइंस में एक्सप्लेन करना है, 3 लाइंस में या 2.5 लाइंस में इसको एक्सप्लेन करना है कि इस पूरी 7 लाइनों के अंदर जो मेन बात की गई है वो क्या है। सारा कुछ हम इसका रीड कर लेंगे, फिर हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेन बात वो क्या करना चाह रहा है। तो हम लोग इसको शॉर्ट करके लिखेंगे बच्चों, आप सबको आवाज़ आ रही है बच्चों? सॉरी बच्चों, वो इंटरनेट कनेक्शन एरर आ गया था। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे समरी करने का, तो वो मैं आपको बता रहा था कि 2.5 लाइंस में इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर भी हम लोग इसको देखते हुए कर लेंगे। तो ये 10 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन है, तो इसको तो अटैम्प्ट करना बिल्कुल ही आसान है, इसमें से आपके 8 या 9 नंबर आराम से आ सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से रीड करने के बाद इन आंसर्स को ऐड कर लो तो, ठीक है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें तो अब सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, और सेक्शन सी का मतलब क्या है बच्चों, क्या तो ग्रामर पोर्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे नरेशन है बच्चों, जिसे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। जिस तरह 9th क्लास के अंदर एक्टिव और पैसिव थे, वैसे अब आपके 10th क्लास के अंदर क्या होंगी, नरेशन होंगी, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया तो इसे इनडायरेक्ट करेंगे, और इनडायरेक्ट उसे डायरेक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आपको मैं मतलब जैसे एक्टिव पैसिव किए थे हम लोगों ने अच्छे से, तो नरेशन को भी करेंगे। तो नरेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनके डिफरेंट सेंटेंस होते हैं, ये सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपको 6 दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं, इनमें से आपने कितने करने हैं, 4 करने हैं। तो इसके 4 मार्क्स इसके हो जाएंगे, यानी कि हम लोगों ने इन 6 में से 4 को जो है वो अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को इसका जो है वो लेसन दिया करूँगा। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं बच्चों। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब क्या होता है कि इनको आप लोगों ने सेंटेंसेस के अंदर जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल इंग्लिश जब आप लोग परचेज करेंगे सिंपल इंग्लिश, तो उसके अंदर जहाँ इसकी हम लोग तैयारी करेंगे, तो ये बहुत सारे जो है हम लोगों ने मैक्सिमम करने हैं, क्योंकि ये अक्सर ऐसे आते हैं जो कि हम लोग जिनको छोड़ देते हैं तो वहीं से आ जाते हैं। ये तकरीबन कोई 200 to 300 हम लोग करने पड़ेंगे, ठीक है। और अक्सर ऐसे होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं, तो हमें वैसे ही वो आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ये भी हम लोगों को दिए जाते हैं 6, और हमने इनमें से करने होते हैं 4, ठीक है। तो ये नरेशन 4 मार्क्स की हो जाएगी, और 4 मार्क्स की हो जाएंगे हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स, जिनको हम लोगों ने सेंटेंस में यूज़ करना है। तो 8 मार्क्स हमारे यहाँ से हो जाएंगे। और अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, राइट एन एप्लीकेशन या फिर राइट अ लेटर। ये चॉइस है हमारी मर्जी, अगर हम लोग लिखें एप्लीकेशन या हम लिखें लेटर। और बच्चों ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अनसीन टॉपिक आते हैं, इनको आप लोगों ने खुद तैयार करना है, अपनी वर्डिंग में इनको लिखना है। ये कभी भी मतलब आपकी बुक वाले नहीं आएंगे, शायद कोई बाई चांस ही अगर कभी ऐसा हो सकता है कि ये आपकी बुक वाले आ जाएँ, वरना ये आपने खुद लिखने होते हैं। अच्छा, इसके लिए आसानी क्या है कि ये 8 मार्क्स हैं ना, इसके टोटल 8 मार्क्स हैं,
तो इनमें से जो 4 मार्क्स हैं बच्चों वो इसके पैटर्न के होते हैं, यानी जो पैटर्न हम लोग ऊपर लिखा करते हैं एग्जामिनेशन हॉल या फिर इस तरह टू द प्रिंसिपल जो भी हम लोग लिखा करते हैं और नीचे तक उसको एंड करते हैं जाके, तो ये इसके 4 मार्क्स होंगे, 4 मार्क्स इसके हो जाएंगे और बाकी जो 4 होंगे वो दरमियान में जो हम लिखेंगे उसके होंगे। तो ये देखिए बराबर का प्रपोर्शन है, जो हम दरमियान में लिखेंगे वो दो दो मतलब पैराग्राफ में लिखना है, हमने दो पैराग्राफ बनाने हैं, एक 3 लाइन का हो जाएगा, दूसरा 3 लाइन का, ऐसा एक 4 लाइन का, दूसरा भी 4 लाइन का, तो उसमें से कम अज़ कम 4 में से हम लोगों को 2 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं, अगर हम चाहें तो वहाँ से 3 भी ले सकते हैं, तो 4 मार्क्स तो वैसे ही हम लोगों को मिल जाने हैं। तो ये टोटल 8 में से हम लोग 6 या 7 मार्क्स ले सकते हैं, पूरे 8 यहाँ से नहीं आएंगे, 1 मार्क यहाँ से डिडक्शन होती है, तो 7 या 6 हम लोग ले सकते हैं आसानी से। ये भी हम लोगों ने क्रिएटिव राइटिंग करते रहेंगे, इंशाल्लाह कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होगा जो हमारे पेपर में आ ही जाएगा, तो ये इजी है, इसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का वो क्या है, इसके अंदर आप लोगों को ऐसे लिखना होगा। ऐसे कितने मार्क्स का होगा बच्चों? 10 मार्क्स का आपका ऐसे होगा और 3 आपको टॉपिक दिए जाएंगे और 3 में से किसी एक के ऊपर आप लोगों ने ऐसे लिखना होगा और उसकी लेंथ कितनी होगी? 150 से लेकर 200 वर्ड्स तक। तो बच्चों ये इस तरह से है कि आप लोग जी ये मोस्टली आ जाता है, आप जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, आपको जब क्लास में लिखवाए जाएंगे क्लास वर्क में, तो उसके अंदर से ये आ जाता है, ये क्योंकि 3 टॉपिक तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो वो कोई ना कोई एक ऐसा ऐसे होता है जो आ ही जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसे है, ये तो क्रिएटिव राइटिंग है ना, क्रिएटिव राइटिंग का मतलब यही है कि आप लोग जो भी लिखना चाहें इसके अंदर सही ग्रामर के साथ और सही जो है अगर आप उसकी पंक्चुएशन वगैरह करते हैं तो आपका मार्क्स जो है मैक्सिमम बच्चों इसके अंदर अगर आप लोग 10 में से 9 ले सकते हैं, और अगर आप लोग बहुत ख़राब भी लिखेंगे तो यहाँ से 6 या 5 मार्क्स तो आपके आ ही सकते हैं, लेकिन ये है कि आप लोगों को इसकी लेंथ का ख्याल रखना है। लेंथ यूँ समझ लेंगे, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं अपनी राइटिंग की बात करूँ जो आंसर शीट होती है उसकी एक लाइन में मेरे कम अज़ कम 7 वर्ड्स आ जाते हैं, 6 या 7, तो 6 या 7 का मतलब ये हुआ कि अब मुझे कितनी लाइन्स लिखनी पड़ेंगी, मुझे लाइन्स लिखनी पड़ेंगी बच्चों 30 लाइन्स मुझे लिखनी पड़ेंगी, तो ये मेरा दरमियान में आ जाएगा 150 से ऊपर और 200 से नीचे आ जाएगा। तो मुझे इसका मतलब ये हुआ कि 30 लाइन्स तो लाजमी लिखनी है। 30 लाइन्स का मतलब क्या होता है, शीट जो होती है तकरीबन एक साइड पूरी हो जाती है और थोड़ी सी आगे भी चली जाती है। आप लोगों ने इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना कि हमें तो बड़े बड़े ऐसे करने पड़ेंगे, कोई 3-3, 4-4 पेजेस के ऐसे करेंगे। जितना बच्चों आप ज़्यादा लिखेंगे उतनी गलतियाँ आपसे ज़्यादा होंगी, जब गलतियाँ आपसे ज़्यादा होंगी जाहिर बात है मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे आपके। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने थोड़ा लिखना है, अकॉर्डिंग टू नीड लिखना है, जितना उन्होंने कहा हुआ है वही उसको फॉलो करना है, लेकिन स्पेलिंग का ख्याल रखना है, ग्रामर का ख्याल रखना है उसके अंदर। तो जो बच्चा 4 पेज लिखे और उसके अंदर गलतियाँ हों तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसके मुकाबले में वो बच्चा जो 1.5 पेज लिख देगा लेकिन अच्छा लिख देगा तो उसके 10 में से 9 भी आ जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप लोग ज़्यादा लिख के अपनी गलतियाँ करके मार्क्स कटवा लें या आपकी मर्ज़ी, आप लोग 1.5 पेज लिखें और अच्छा सा लिख दें ताकि आपके मार्क्स मैक्सिमम आ जाएँ। तो मैं तो आप लोगों को हमेशा यही कहता रहता हूँ कि ज़्यादा लिखना नहीं होता, लिखना ये होता है कि टू दी पॉइंट लिखना है और अच्छा लिखना है ताकि चेक करने वाला जो है उसको जब चेक करे उसे कोई मिस्टेक ना मिले। क्राइटेरिया जब बोर्ड वालों ने खुद दे दिया कि 150 से 200 वर्ड हों तो फिर वो क्यों हमारी मार्क्स जो है वो काटेंगे कि इसने थोड़ा लिखा हुआ है। तो हम लोग इससे परेशान नहीं होंगे, हम लोगों ने जो है वो इसकी लेंथ का ख्याल रखना है और 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान में रहना है। ठीक है बच्चों, तो ये 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये है बच्चों आपका पेपर का पैटर्न, यानी इसके अंदर हमारे पास MCQs हैं 15 जिनको कवर करने के लिए हम लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच को रिकॉल करना है दोबारा, इसके साथ साथ और हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, जेरंड हो गया, ये सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज करनी है। कुछ हम लोगों ने पहले की हुई हैं, अगेन भी उनको करेंगे। फिर आपके चैप्टर्स हैं, जो बुक के जो चैप्टर हैं वहाँ के आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को आपने करना है। यहाँ पे आपको टोटल दिए गए हैं 7, आपने करने होंगे 5, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी टोटल आपके पास मार्क्स बन जाएंगे 15। फिर इसी तरह मैंने आपको बताया आपके पास पूरे सिलेबस के अंदर 3 पोइम्स हैं, 3 पोइम्स, उनमें से आपका एक सवाल आ जाएगा सेंट्रल आइडिया का मोस्टली, तो एक पोइम कोई भी वो कहेगा कि इसका सेंट्रल आइडिया लिखें, 3 मार्क्स का वो क्वेश्चन हो जाएगा। फिर वो किसी एक पोइम में से स्टैंजा दे देगा और कहेगा कि इनके आंसर जो है वो लिखें, और वो आंसर कौन से, ये 3 सवाल जो नीचे पूछे गए हैं इनके आंसर हम लोगों ने करने होंगे। एक कंप्रीहेंशन का पैसेज होगा, इसको रीड करेंगे अच्छे से, और रीड करने के बाद नीचे इसके क्वेश्चन होते हैं 4, उनको हम लोगों ने अटेम्प्ट करना है, और इसमें से देखें एक सवाल जो समरी करने वाला है वो भी मैंने आपको समझा दिया, फिर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। फिर हम लोगों ने नरेशन के ऊपर बात करनी है, नरेशन करेंगे यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, अगर डायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट करेंगे, इस पर हम लोग जो है वो अच्छे से मतलब लेसन लेंगे इसका।
और फ्रेजल वर्ब्स मैंने आपको बताया, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और फिर एप्लीकेशन और लेटर में से एक हमने लिखना है और ऐसे भी करना है। अब आपके पास जो बुक्स बच्चों होनी चाहिए, एक टेक्स्ट बुक हो आपकी, ठीक है, टेक्स्ट बुक का मतलब ये जो हमारी बुक होती है सिंपल इंग्लिश वाली, एक टेक्स्ट बुक, एक सिंपल इंग्लिश की बुक, दो चीज़ें हो गई, और एक आपके पास मरियम सीरीज़ का बच्चों मॉडल पेपर होना चाहिए, स्टार्ट्स हैं, ठीक है। मरियम सीरीज़ का मॉडल पेपर हमें बहुत हेल्प करेगा जी, बिल्कुल। अभी स्टार्ट से ही आप लोग ले लेंगे सेशन, अगर बेशक आउटडेटेड भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो इंग्लिश का पेपर ही नहीं हुआ टेंथ क्लास का। जब इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि लास्ट पेपर अभी भी वही है जो पहले हुआ था। जी बेटा, अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, उसका फ़ायदा नहीं है कोई, क्योंकि उसमें से हमारा पेपर का कोई हिस्सा नहीं है जो उसमें से आ रहा हो, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप लोग सिंपल इंग्लिश ले लेंगे ना, वो पैसे आप लोग अपने सेव कर लें। वैसे नाइन्थ वाली जो है वो चलती है टेंथ में भी, वो जो कंपोजिशन की आपकी बुक है ना वो नाइन्थ और टेंथ के लिए एक ही होती है। जी जी, अगर नहीं ली हुई तो आप लोग ज़रूरी नहीं है कि उसको लें, आप लोग सिंपल इंग्लिश ज़रूर ले लेंगे, ठीक है। सिंपल इंग्लिश लेंगे, एक मॉडल पेपर लेंगे मरियम सीरीज़ का, और एक आप लोगों ने टेक्स्ट बुक लेनी है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब जो ये है कि मैं स्टार्ट करूँगा आपके साथ इस हमारे लेसन को, तो हम लोग शुरू करेंगे अपने टेक्स्ट बुक की रीड करना। पहले हमारी जो टेक्स्ट बुक की रीडिंग है हम इसको क्विकली करते जाएंगे, क्योंकि उसमें से हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं। आपको मैंने पहले बताया ना कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाने हैं अपने, कि आंसर कैसे करने हैं क्वेश्चंस के आंसर करना सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, और आंसर को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी अच्छे से चैप्टर्स की। तो रीडिंग करते हुए आप लोगों को मेथड मेरा क्लास में याद ही होगा कि मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग बताता जाऊंगा, आप लोगों ने अपनी बुक्स पे लिखते जाना है। एक तो अगर बुक्स पे नहीं लिख सकते तो आप लोगों ने उनको क्या करना है जी, किसी रफ नोटबुक के ऊपर जो है उनको नोट करते जाना है, क्योंकि आपका जो एमसीक्यूज वाला पार्ट है उसमें कहीं पे आपसे ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि सिनोनिम जो है वो लिखें इसका, कि इन चार में से कौन है जो नीचे वाले का सिनोनिम है। तो इसका आप लोगों ने ख्याल करना है, जब मैं आपको रीडिंग करा रहा हूँगा तो आप लोगों ने इसको भी करते जाना साथ साथ। और क्या बच्चों होगा उसके अंदर कि क्वेश्चन, जी बेटा अच्छा ठीक, तो अभी पहला दिन है बेटा, कोई मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी, बस ये है कि आप लोग अब देखिए आज का दिन लेक्चर मैं इसलिए पेपर पे रखा है कि जो बच्चे ऑन नहीं हैं वो भी ऑन हो जाएं। इस तरह जो अब आपको पढ़ाया जा रहा है ना, तो ये रिवाइज़ करने का हम लोग को शायद टाइम ना भी मिले, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हालात चल रहे हैं इनका कोई पता नहीं ये कभी जाके एंड होते या नहीं होते। तो हम लोगों ने अपना कोर्स तो कवर करना ही है ना, तो आप लोग रोज़ क्लास जो है वो लीजिए, ठीक है। तो रीडिंग हम लोग जो है वो इसकी शुरू करेंगे, चैप्टर वन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई छोड़े इस प्रेजेंट एब्सेंट को, आप लोग आ गए ना, प्रेजेंट हो गई है, आपकी नेम यहाँ शो हो रहे हैं। आप लोग फर्दर टीचर से ये ना कहा करें कि हमारी प्रेजेंट लगा दें, बेटा यहाँ आपकी नेम शो हो रहे होते हैं, जो प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। अटेंडेंस का इतना इशू आप नहीं लें, आप लोग बस आ जाया करें क्लास में। तो अभी हम लोग आज जो है रीडिंग भी नहीं करते, क्योंकि आपके पास बुक्स नहीं होंगी। बुक्स हैं आप लोगों के पास, ज़रा बताएं मुझे, कंफर्म करें। अच्छा बुक्स हैं, इसका मतलब वेरी गुड, ठीक है। ओपन करें ज़रा, पहला चैप्टर ओपन करें बच्चों, पहला चैप्टर। हाँ जी, पहले चैप्टर का टाइटल बताएं बच्चों मुझे। अच्छा एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, आप मुझे ये बताएं एम्बॉडीमेंट का मतलब हम क्या लिख सकते हैं। जी बेटा भी बताएगा एम्बॉडीमेंट का मतलब। हाँ मिसाल और नमूना आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है वो इंसाफ का पैकर, उर्दू में आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा हो ना पैकर, नमूना मिसाल जिसे हम लोग कहा करते हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है वो इंसाफ का एक पूरा जो है वो नमूना है, पैकर है,
कि आपसे बढ़कर इंसाफ करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। और ये है हमारा इस चैप्टर का टाइटल, यानी इस चैप्टर के अंदर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसाफ के ऊपर की गई जो मिसालें हैं, यानी इंसाफ कायम किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में, उनके अंदर से कुछ एग्जांपल मिलेगी। वैसे कोई एग्जांपल आपको याद है, एग्जांपल जो जस्टिस के ऊपर हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप अमीर और गरीब के साथ बराबर का सलूक करते थे, कोई बच्चा बता सकता है इसके हवाले से कोई मिसाल? अच्छा स्टूडेंट, मैं अब आप लोगों को ना स्क्रीन पे बुक शो करूँगा, ठीक है, उसके साथ मैं इसको रीड भी करता जाऊँगा, तो आप लोगों ने जो है वो इसको नोटिस करते जाना है जो भी मैं पढ़ाऊँ। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बेटा मैं बुक स्क्रीन पे अपलोड की हुई आप लोगों को नजर आ रही है? कोई बच्चा कंफर्म करे मेरी आवाज। स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आपको? चलें ये देखें स्क्रीन पे आपको बुक नज़र आ रही है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। चलें मैं आप इसको ना रीड करना शुरू कर रहा हूँ, आप लोग सुनते जाइए, अगर आपने कोई मतलब पूछना हो तो उसमें पूछेगा दरम्यान में, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल हु वॉन्ट टू अटेन गुडनेस, पिटी एंड सक्सेस इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ। क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो एक अजीम मिसाल है, नमूना है, यानी मुकम्मल मिसाल और नमूना है किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए हु वांट टू अटेन, जो हासिल करना चाहते हैं अच्छाई, तकवा और कामयाबी, ना सिर्फ अपनी इंफरादी ज़िंदगी में बल्कि समाजी ज़िंदगी में भी। यानी कोई एक ऐसा बंदा है जो वो भी कामयाब हो जाए और उसके साथ साथ जो मेरी ज़िंदगी माशरे के साथ है, यानी जो मैं लोगों के साथ मिलजुल के रहता हूँ उसमें भी मैं कामयाब हो जाऊँ, तो ऐसे बंदे को क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर मुकम्मल एक मिसाल मिल सकती है कि अगर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को फॉलो कर लिया तो वो ना सिर्फ अपनी अकेले ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो जाएगा बल्कि इसके साथ साथ वो एक माशरे के अंदर जहाँ वो रहता है वहाँ भी कामयाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो परफेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? मुकम्मल, पूरा, यानी जिसके अंदर कोई डाउट ही ना हो, ठीक है। और मॉडल नमूना हो गया, मिसाल हो गई, एग्जांपल और मॉडल ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं।
तो अटेन क्या है बच्चों? अटेन का मतलब होता है गेट, अचीव, हासिल करना, ठीक है। गुडनेस अच्छाई हो गई, और पिटी तकवा हो गया। सक्सेस कामयाबी, विक्ट्री हो गई। इंडिविजुअल जो है सिंगल हो गई, और सोशल जो है वो कम्युनिटी लाइफ हो गई हमारी। तो ये पूरी लाइनों के मतलब इस तरह से हो गए, ठीक है, समझ आई है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, आगे चलते हैं। पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ टू अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। पीपल कैन सीक, लोग हासिल कर सकते हैं। सीक का मतलब होता है हासिल करना, गेट करना। लाइट रोशनी, यानी कि रोशनी तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते, ये ऐसा कह सकते हैं रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो पीपल यानी कि लोग रहनुमाई हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ। आप सलम का जो पैगाम है उसमें से उनको जो है वो रहनुमाई मिल जाएगी, इसके साथ साथ उनको जो है आप सलम की ज़िंदगी से जो है एक मुकम्मल जो है वो हिदायत मिल जाएंगी कि आपने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, किस बात के लिए, टू अचीव परफेक्शन, ताकि आप कामयाब हो जाएं, ताकि आप परफेक्ट हो जाएं। इन द मॉरल यानी कि आपकी जो इखलाकी ज़िंदगी है, स्पिरिचुअल यानी कि आपकी जो रूहानी ज़िंदगी है, एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, और जो आपकी समाजी ज़िंदगी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें रहनुमाई भी मिल जाएगी और हमें पैगाम भी मिल जाएगा, किस बात का, अगर हम लोग परफेक्ट होना चाहते हैं किस चीज़ में, अपनी मॉरल लाइफ में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, और अपने सोशल एरियाज ऑफ लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें कब मिलेंगी? जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को फॉलो करेंगे, ठीक है। गाइडेंस क्या होती है बच्चों? इंस्ट्रक्शन हम लोग कह सकते हैं इनको, इंस्ट्रक्शंस, ओके। अचीव गेट हो गया, परफेक्शन मतलब क्या, कंप्लीटनेस होगी। इस तरह मॉरल, स्पिरिचुअल और सोशल ये खुद ही होते हैं, ये मतलब इनके। ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर ऑल मैनकाइंड टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। अब आप सल्लम ने क्या किया कि जो बात आप सल्लम बताते थे उसकी मिसाल भी कायम करके दिखाते थे। यूँ नहीं था कि सिर्फ बात थी, बल्कि उसकी परफेक्ट आपको एग्जाम्पल भी मिलती थी। आप सल्लम ने फरमाया सच बोलो, तो आप सल्लम ने सच बोल के भी दिखाया था। आप सल्लम ने कहा इंसाफ करो, तो आप सल्लम ने इंसाफ करके भी दिखाया था। यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट किए यानी कि कायम किए वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स। आइडियल्स बच्चों क्या होते हैं? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब मयार। यानी आप सल्लम ने इंतहाई आला दर्जे की जो है वो मिसालें कायम की थी, किसके ज़रिए? अपनी अमली मिसालों के ज़रिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ज़रिए, रियल एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो आप सल्लम ने क्या किया था, एक स्टैंडर्ड कायम किया था, किसके लिए? पूरी मैनकाइंड के लिए। मैनकाइंड क्या होती है बच्चों? यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी कि इंसानियत। टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी के जिस शोबे में भी आप चाहते हैं आप सल्लम को फॉलो करना, तो आपको ज़रूर हर शोबे के हवाले से मालूमात जो है वो मिल जाएंगी। तो इस पूरे पैसेज के अंदर हमने क्या सीखा, अगर मेन आइडिया करना चाहें तो यही है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, वो ज़िंदगी बेशक आपकी इनफरादी हो या इज्तमाही, तो आप सल्लम की ज़िंदगी से आपको हिदायत जो है वो मिल सकती हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल देन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली प्रूव किया था बच्चों। प्रैक्टिकली का मतलब क्या बताया था अभी मैंने आपको? हाँ बिल्कुल ऐसे, तो प्रैक्टिकली प्रूव किया था। प्रूव मतलब साबित किया था। क्या साबित किया था? ये साबित किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई भी ना तो इंसाफ कर सकता है और ना ही कोई अपने अंदर मुनसिफ हो सकता है। इंसाफ और मुनसिफ दो, इंसाफ समझे ये काम हो गया और मुनसिफ वो जो काम करता है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात साबित की थी अपने आमाल के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने कामों के ज़रिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई भी ना तो इंसाफ कर सकता है और ना लोगों की रहनुमाई कर सकता है, कोई ऐसा नहीं हो सकता। तो इक्विटेबल मतलब क्या होता है? इंसाफ पसंद आप लोग जिसे कह रहे हैं, जिसे हर किसी के साथ इंसाफ करना अच्छा लगता हो, ठीक है, गुड पर्सन आप लोग यूँ समझ लें। एज अ यंग ट्रेडर, हाँ जी बच्चों, ट्रेडर कौन होता है? हाँ जी, इंग्लिश में बताया करें बेटा, बिजनेसमैन, ओके। एज अ यंग ट्रेडर यानी कि एक नौजवान कारोबारी शख्सियत के तौर पे ही अर्नड, तो ये अर्नड यहां पे क्या है बच्चों? बिल्कुल अदन इंग्लिश में बेटा,
अर्न का मतलब होता है गेट करना, अचीव करना, ठीक है। तो एक नौजवान ताजिर के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाया, यानी हम कहते हैं ना बड़ा नाम कमाया अभी इस बंदे ने, तो नाम कमाने की सेंस में यहाँ पे अर्न जो है वो यूज़ हो रहा है। क्या आपने कमाया जी नाम, गुड रेपुटेशन। तो रेपुटेशन क्या होती है, जिसे हम लोग शोहरत कहते होते हैं, ठीक है, यानी हमारा फेम जिसे हम लोग कहते हैं FAME, फेम। तो रेपुटेशन को हम लोग फेम भी कहते हैं, कि आपकी फेम क्या थी, आपकी शोहरत क्या थी, ऑफ बींग एन ऑनेस्ट, कि आप एक दयानतदार, फेयर यानी इंसाफ करने वाले, एंड जस्ट, और ये भी इस तरह इंसाफ के सेंस में आ जाएगा। यानी अगर हम लोग ओवरऑल लेना चाहें तो आप जब एक नौजवान ताजिर के तौर पर मक्का में तिजारत करते थे तो आपकी शोहरत कैसी थी, तो लोग आपके बारे में कहते थे यार इस बंदे जैसा सादिक और अमीन तो कोई हो ही नहीं सकता। यानी ये जिस तरह सच्चा है, जिस तरह इंसाफ करने वाला है, और जिस तरह से बिल्कुल इसका मतलब कोई बेईमानी वाली बात तो है ही नहीं, तो ये आपकी शोहरत थी। जब आप सल्लम का नाम लिया जाता था तो लोगों की ज़ुबान पे यही आता था यार ये बंदा सादिक और अमीन है। ये सब कुछ जो है हम इसको डिनाई कर रहे हैं, ये जो बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, ये हमारी अपनी बदबख्ती है कि हम इसकी बात नहीं मान रहे, वो अलग बात है, ठीक है। सच्चा आपको ज़रूर समझते थे लोग। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग विद ऑल पीपल। तो डीलिंग क्या होती है बच्चों, जैसे हमारा लोगों के साथ लेन देन, जिसे मतलब कह लेना डीलिंग्स को बिजनेस भी कह सकते हैं, कि जब आप लोगों के साथ बिजनेस करते थे तो बिजनेस कैसा होता था, बहुत ही एक साफ सुथरा और इंसाफ पर मबनी बिजनेस होता था। यानी आप जब किसी के साथ कारोबार करते थे तो उसके अंदर कोई जो है वो उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते थे, और यही वजह है कि मक्का के जो लोग थे वो आपको अपना तिजारत का सामान देकर ना भेजा करते थे, कि क्योंकि उन्हें पता था कि ये बंदा सिर्फ अपना जायज़ मुनाफा लेगा, बाकी इसके अंदर कोई बेईमानी वाली बात है ही नहीं। तो बच्चों ये आपका जो है वो माइंड सेट वो बनाता जा रहा है, अपने टाइटल को जस्टिफाई कर रहा है। टाइटल उसने हमें दिया हुआ ना कि आप इंसाफ का एक पैकर थे, तो उस इंसाफ की देखें आपको एग्जांपल देता जा रहा है कि शोहरत ऐसी थी कि लोग कहते थे इससे सच्चा सादिक अमीन कोई है ही नहीं, और उसके अलावा जब आप तिजारत करते थे तो तिजारत के अंदर कोई बेईमानी का एलिमेंट था ही नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी जो है वो तिजारत किया करते थे। वेन द काबा वाज बींग कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड क्या होता है बच्चों इंग्लिश में, बिल्ट। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। तो जब काबा की तामीर हो रही थी, खाना काबा की तामीर हो रही थी, बिल्ट हो रहा था वो, देयर अरोज अ डिस्प्यूट। ये अरोज क्या होगा यहाँ पे, वो बेटा डिस्प्यूट है, ठीक है। अरोज का मतलब होता है पैदा हो जाना, खड़ा हो जाना, जैसे हम कहते हैं ना वाह यहाँ पे झगड़ा ही खड़ा हो गया एक, यानी लोगों में लड़ाई हो जाना। तो ये अरोज जो है बच्चों, इसको इंग्लिश में आप कहेंगे अक्कर, OCCUR, अक्कर, स्टार्ट, जो भी आप लोग कर लें इसमें से, तो अक्कर या स्टार्ट में से एक। तो डिस्प्यूट हो गया बच्चों, डिस्प्यूट क्या है, झगड़ा, ठीक है, फाइट जिसे आप लोग कह लें, कि लोगों के दरमियान फाइट शुरू हो गई, अमंग द पीपल रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन। यानी हजर अस्वद को लोग, हर कोई यही चाह रहा था कि वो जो है वो जाकर रखे, वो जाकर रखे, वो जाकर रखे। तो इस तरह ऐसा लग रहा था कि अभी इनके अंदर एक ऐसी लड़ाई होगी कि इनकी दुश्मनियाँ खानदानों तक जाएंगी। तो इस मौके पे क्या हुआ, ही डिवाइज्ड, डिवाइस क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ही डिवाइज अ मोस्ट इक्विटेबल प्लान, डिवाइज एडवाइज नहीं है बेटा, डिवाइस है, डिवाइस डिवाइस, अच्छा मैं बता देता हूं। तो डिवाइस का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे बेटा जी जी, प्रेजेंट करना, प्रेजेंट करना, ठीक है। तो आपने पेश किया, यानी आपने क्या पेश किया, द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, यानी एक तो होता है ना इक्विटेबल, भाई बड़ा अच्छा है ये प्लान, तो आप सल्लम ने क्या पेश किया, मोस्ट इक्विटेबल, यानी सबसे अच्छा, बड़ा ही बेहतरीन किस्म का जो प्लान जो है वो पेश किया। बच्चों जब हम किसी के साथ मोस्ट लगा देते हैं तो कौन सी डिग्री होती है, ये वेरी गुड वेरी गुड, सुपरलेटिव डिग्री होती है, कि आप सल्लम ने इंतहाई आला किस्म का जो है वो प्लान पेश किया। तो इक्विटेबल यहाँ पे क्या होगा, सूटेबल आप जिसे कह लें, बेहतरीन कह लें, ज़बरदस्त कह लें, कि एक मंसूबा आप सल्लम ने पेश किया जो सबसे बेहतरीन था, फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। सेटिंग मतलब क्या, कि उसकी रखने की जगह पे जब उसको रखा गया, यानी सेट किया गया, तो उसका जो प्लान था आप सल्लम ने जो पेश किया वो इंतहाई बेहतरीन था। दिस प्लीज्ड एवरी वन एंड सेव्ड देम फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। दिस प्लीज्ड, ये प्लीज्ड क्या है बच्चों यहाँ पे, प्लीज्ड बच्चों, PLEASED, प्लीज्ड, प्लीज्ड
हैप्पी करना, खुश करना, ठीक है, हैप्पी करना, अम्यूज़ करना। तो ये जो प्लान था इसने सबको ही खुश कर दिया एंड सेव देम फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बचो, डिस्प्यूट का लफ्ज़ हमें पढ़ा था ना पीछे अभी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे कि डिस्प्यूट का मतलब कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब डिस्प्यूट, और इन दोनों को मिला के हम लोग फाइट भी कह सकते हैं। ट्राइबल मतलब कबाइली, ठीक है, कबीले थे ना लोग जो कबीलों में बटे हुए थे, जैसे बनु हाशिम, बनु उमैया, इस तरह ये जो कबीले थे, तो इनके दरमियान बड़ी ज़ोर की जंग होने वाली थी, लेकिन आप सल्लम ने जो प्लान जो दिया उनको, तो इस जंग का ख़तरा भी टल गया, सारे खुश भी हो गए। आपको याद है ना आप सल्लम ने क्या किया था, आपने अपनी चादर बिछाई थी, उसके ऊपर जो है वो हजरे अस्वद रखा था, सारे सरदारों को कहा था कि वो एक एक कोना पकड़ लो इसका, तो इस तरह सारे जो है वो खुश हो गए थे कि चलो हमारे सबका जो है इसमें कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये दो पैसेज हम लोगों ने आज रीड किए हैं, कल हम लोग इसकी जो है वो रीडिंग को कंप्लीट करेंगे, मज़ीद आगे भी चलेंगे, और कल अपनी बुक्स वगैरह जो आप इस तरह साथ रख के बैठिएगा, 110 से हम लोग अपना लेक्चर लेंगे। पेपर पैटर्न भी हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग क्विकली जो है वो इसकी रीडिंग करने के बाद फिर ग्रामर के टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, चलें, ऑफ है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।